दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, क्योंकि सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर ही पहुंचने वाला है, जो कि इस समय मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर बना हुआ है, दक्षिणी पश्चिमी भागों पर, और ये लगातार उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो आज भी कई हिस्सों में उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल हैं, बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है, और आने वाली 27 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं, और 28 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है, और कई हिस्सों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होने के आसार है, और कई इलाकों पर देखे दोस्तों हुई भी है बारिश की गतिविधियाँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर देखने को मिली है। सहारनपुर जिले के कई भागों पर हुई है, अन्य भागों पर भी हुई है। तो क्योंकि बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है ना, वो लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर, जो बंगाल की खाड़ी की नमी है वे लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से मॉइस्चर अधिक होने की वजह से बादल बन रहे हैं और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनी हुई है। हालांकि ये सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों पर आकर सिर्फ और सिर्फ बारिश ही करेगा, कोई आंधी तूफान वगैरह कुछ नहीं चलाएगा, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर होकर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं लगातार इसे मिल रही हैं, उसकी वजह से बारिश कई हिस्सों पर जबरदस्त होने की संभावना जो है वे बनी हुई है। तो आइए देखेंगे कि आने वाली 27 सितंबर में उत्तर प्रदेश राज्य के किन किन भागों पर बारिश की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के कई हिस्सों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहां पर बनी हुई है। देखिए दोस्तों, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत रविदास नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया के आसपास के भागों पर, और यहाँ तक कि अयोध्या गोंडा के भागों पर भी मध्यम से तेज या कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, खासतौर से बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के भागों पर। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, अयोध्या, सुल्तानपुर, और के साथ साथ देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर और संत रविदास नगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, अमेठी और रायबरेली, फतेहपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा झांसी, ललितपुर के भागों पर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट के भागों पर भी हल्की से मध्यम कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। वहीं हरदोई के साथ वही मैनपुरी, इटावा, औरैया के भागों पर भी बादल रहेंगे, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के आसपास के भागों के साथ साथ शाजापुर और फरुखाबाद के भागों पर, कन्नौज के भागों पर भी बादल रहेंगे, हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। अब शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, कासगंज के भागों पर भी देखिए यहाँ पर वैसे तो मौसम दोस्तों साफ रहेगा, लेकिन कुछ हिस्सों पर बादल की आवाजाही रहेगी, बादलों की, कभी धूप निकल गई, कभी फिर बादल आ गए, तो कुछ स्थानों पर देखें थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर बन सकती है, क्योंकि हवाएं जो हैं वे हरियाणा और पंजाब तक जो है आगे बढ़ रही हैं। कुछ उधर से पश्चिम विक्षोभ का भी थोड़ा सा असर है, पश्चिम विक्षोभ भी पहाड़ी राज्यों पर है, हालांकि कमजोर है, लेकिन कुछ उसकी वजह से भी मॉइस्चर आएगा, तो इन भागों पर हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही बादल रहेंगे, धूप भी बीच में जो है वो देखने को मिलती रहेगी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा आने वाली 27 सितंबर में, 28 सितंबर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, और ये बारिश की गतिविधियां देखें कहने को तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगी, लेकिन सभी जिलों पर नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पर पीलीभीत, शाजापुर के आसपास के भागों से होती हुई और फरुखाबाद, मैनपुरी के आसपास के भागों पर ही देखने को मिलेगी, जो पश्चिमी इससे आगे आगे के जिले हैं यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा। और यहाँ पर बात करें आने वाले दोस्तों 29 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी, पश्चिमी पर लगभग मौसम साफ रहेगा, और 30 सितंबर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर बारिश होगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मौसम साफ रहेगा, और ये भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने का आसार है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ हो चुका होगा और मानसून की विदाई भी कई जिलों से जो है वो देखने को मिल चुकी होगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।